या अल्लाह हमारे नेताजी को ठीक कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी तबीयत अभी भी नाजुक है। ऐसे में जगह जगह पार्टी के कार्यकर्ता मुलायम सिंह की सलामती को लेकर दुआएं मांग रहे हैं। इसी कड़ी में श्रावस्ती के एक 3 साल के मासूम ने जुमे के दिन नमाज करते हुए नेताजी मुलायम यादव की सलामती की दुआएं मांगी। मासूम ने अपने नन्हे मुन्ने हाथों को दुआ मांगने के लिए उठाया। बच्चे ने मुलायम सिंह की तस्वीर नमाज के दौरान अपने सामने रखी और उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगी। या अल्लाह हमारे नेताजी को ठीक कर दीजिए। दरअसल ये 3 साल का बच्चा सपा के पूर्व विधायक असलम रायनी का पोता आवान आतिफ है, जिसने नमाज अदा करते वक्त नेताजी के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी है। बच्चे ने दुआ मांगते हुए कहा कि या अल्लाह हमारे नेताजी को ठीक कर दीजिए, वो बीमार हैं, उनको शिफा अता फरमाइए। मामले का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चे की मासूमियत साफ देखने को मिल रही है। वीडियो के कारण बच्चा और पूर्व विधायक असलम ईरानी पार्टी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। या अल्लाह हमारे नेताजी को ठीक कर दीजिए। या अल्लाह हमारे नेताजी को ठीक कर दीजिए। 82 साल के मुलायम सिंह यादव लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। बीते 2 अक्टूबर को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। क्रिटिकल केयर यूनिट यानी ICU में डॉक्टरों की टीम लगातार उन्हें जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध करा रही है। लगातार मुलायम सिंह यादव का हाल जानने राजनीतिक दल और पार्टी के दिग्गजों का आना जाना लगा हुआ है। मुलायम सिंह के स्वास्थ्य का हाल जानने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक समेत कई अन्य नेता पहुंच चुके हैं। नेताजी को ठीक कर दीजिए। या अल्लाह हमारे नेताजी को ठीक कर दीजिए।